हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू योर चैनल मोंटेसरी एजुकेशनल ग्रुप मसौली पटना। कल आप लोग का जो क्लास हुआ था, उस क्लास में हम लोग देखे थे पिछला क्लास जो बेसिकल जो चीज़ हुआ था वो इंग्लिश का जो बेसिक हुआ था उसमें हम आप लोग को इंग्लिश पढ़ाए थे और इंग्लिश के बाद आपका ग्रामर पार्ट बताए थे। उसमें पिछला बार जो वीडियो बनाया था आपका, वे आपका इंग्लिश और ग्रामर का डिफिनेशन बताए थे कि इंग्लिश क्या है, ग्रामर क्या है, इसके चीज़ के बारे में हम आपको कल बताए थे। अगर आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो अवश्य देख लें। अगर आप अभी तक मोंटेसरी एजुकेशनल ग्रुप मसौली पटना को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुँचे, है ना। तो आपको पिछला दिन आपका इंग्लिश ग्रामर और ग्रामर का जो पार्ट था कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ, बताया था ग्रामर, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर के कितने भागों में बांटा गया है, इस ग्रामर के पार्ट का हम आप लोग को पिछला क्लास में बताए थे। आज हम लोग एक नया कंसेप्ट के साथ, एक नए उमंग के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए पैशन के साथ हम लोग आगे के चले हैं। एक नया छोटा सा टॉपिक है ना, वे आपका बेसिकल चीज सब आपको जानना बहुत जरूरी होता है। ये आपका है अल्फाबेट, आखिरी अल्फाबेट है क्या, व्हाट इज अल्फाबेट। अल्फाबेट को हिंदी में हम लोग वर्णमाला कहते हैं, व्हाट इज अल्फाबेट। बोला गया है कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स आर कॉल्ड अल्फाबेट, यानी कि सिस्टमैटिक जो होता है इसका मतलब होता है क्रमबद्ध, सिस्टमैटिक का मतलब होता है क्रमबद्ध लगातार, और अरेंजमेंट का मतलब होता है आपका सजावट, सिस्टमैटिक का मतलब होता है क्रमबद्ध और अरेंजमेंट का मतलब होता है सजावट, और लेटर्स का मतलब तो आप लोग जानवे करते हैं कि अक्षर होता है या इसी को लेटर को अच्छा या हम लोग वर्ण करते हैं, है ना। तो आपका आखिर है क्या अल्फाबेट, बोला गया है कि क्रमबद्ध सजावट को ही हम लोग अल्फाबेट कहते हैं, यानी इसको हम लोग अगर हिंदी में अगर लिखना चाहते हैं तो लेटर्स का मतलब बोल सकते हैं वर्णों के क्रमबद्ध सजावट को वर्णमाला कहते हैं, आखिर है क्या। जैसे आप लोग जैसे गिनती देखते होंगे तो गिनती में आप लोग 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आप लगातार, ऐसा तो नहीं आप लोग हैं कि 1 के बाद 4 लिख देते होंगे, 4 के बाद 8 लिख देते होंगे, वैसा आपका क्रमबद्ध थोड़े हुआ, लगातार थोड़ा आपको इसमें सिस्टमैटिक आपको लेकर चलना होता है, तभी आपका कहलाता है आपका क्या चीज़, आपका अल्फाबेट, है ना। जो सबसे जो आपका जो छोटा था आपका, ये आपका अल्फाबेट होता है, इसे जो वर्णों का क्रमबद्ध सजावट की कच्ची कहते हैं हम लोग वर्णमाला करते हैं। अगला बार आपका जो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है वह आपका है लेटर, लेटर का मतलब होता है या तो आप इसे अक्षर कर सकते हैं या इसी को आप लोग वर्ण करते हैं। हम लोग ग्रामर पार्ट में पिछला बार देखे थे तो उसमें फर्स्ट आपको बताए थे ऑर्थोग्राफी, फर्स्ट आपका ये बताया था ऑर्थोग्राफी, और ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत ही आपको अल्फाबेट, लेटर, वर्ड, सेंटेंस, ये सब चीज़ आपको पढ़ना है, इसी में ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत पढ़ना है। इसलिए पिछला बार आप लोग को ग्रामर में बताया था कि कौन कौन सा पढ़ना है, ऑर्थोग्राफी में क्या पढ़ना है, एटिमोलॉजी में क्या पढ़ना है, है ना। आपका नेक्स्ट आपका आता है लेटर, आखिर लेटर है क्या, अच्छा है क्या, वर्ण है क्या। बोला गया कि लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच वी कैन राइट ए वर्ड, यानी कि वर्ड वह सबसे छोटी इकाई है, स्मॉल का मतलब होता है छोटा और ईएसटी लगा दिया तो हो गया सबसे छोटा, स्मॉल का मतलब वह छोटा और ईएसटी लगा तो सबसे छोटा, यानी कि लेटर जो होता है अक्षर होता है वह सबसे छोटी इकाई है जिसके माध्यम से यूनिट विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन राइट ए वर्ड, जिसके माध्यम से हम लोग कोई भी शब्द को लिखते हैं। वर्ड के मतलब होता है शब्द, यानी कि लेटर वह सबसे छोटी इकाई है, अक्षर वह सबसे छोटी इकाई है जिसके माध्यम से हम लोग कोई भी शब्द को लिख सकते हैं, वही आपका लेटर कहलाता है। इसको आप जल्दी सुना नोट कर लीजिए, फटाफट बैठिए मत। Thank you.
चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं और लेटर के बाद देखते हैं हम लोग कि लेटर के बाद आखिर है क्या। लेटर को भी आपको इसके भी आपको जो लेटर होते हैं वो पूरा अल्फाबेट में कितने होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं कि देयर आर 26 लेटर्स in English alphabet. There are 26 letters in English alphabet, है ना? यानी कि टोटल जो अल्फा जो आपका जो लेटर होते हैं उसका 26 अक्षर होते हैं, टोटल 26 लेटर होते हैं और इनका जो लिखने का जो स्टाइल होता है ना वे आपका दो तरीका से लिखाता है ना। इसको बोल सकते हैं कि there are two written in English letter, यानी कि जो अक्षर होते हैं उनको दो तरीका से लिख सकते हैं। पहला का आपका जो नाम आता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर का मतलब होता है बड़ा अक्षर, और दूसरा जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल लेटर। ये दो तरीका का आता है आपका, फर्स्ट आपका आता है क्या जी, फर्स्ट आपका आता है कैपिटल लेटर और दूसरा आपका आता है स्मॉल लेटर। आखिर कैपिटल लेटर जो होता है उसमें कौन कौन से आते हैं, तो जो आप लोग जो बड़े जो ABCD होते हैं उसको हम लोग कैपिटल लेटर कहते हैं, यानी कि इसमें पूरा बड़ा का जो ABCD होता है ये सब इसी में आ जाएगा, जैसे ABCDEF आपका इसमें पूरा जेड तक आ जाएगा। इसमें आपको पूरा लिखना है क्योंकि बेसिकल से बता रहे हैं बिल्कुल कंसेप्ट के साथ, GHIJKLMNOPQRSTUVWXY और ये आपका आता है जेड। ये आपका पूरा आपका कैपिटल लेटर का है, इसमें टोटल गिनिएगा तो इसका आपका 26 लेटर आएगा, पूरा आपका 26 अक्षर होता है। और जो ये स्मॉल लेटर होता है ये भी आपका 26 होता है। लिखने का तरीका आपको दो बता रहे, बहुत से लोग का मन में आ रहा है कि सर इसमें आपका एक तीन तरह का लेटर होता है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और एक आपका आता है कर्सिव लेटर। कर्सिव लेटर भी आपका बड़ी यूनिवर्सिटी में इसमें भी ऐसे लिखा था आपका है ना, बी ऐसे लिखा था, तो कर्सिव लेटर आपका कैपिटल लेटर का ही आपका भाग में आता है। जैसे आपको कैपिटल लेटर लेकर नहीं चलना, आपको कैपिटल लेटर यहाँ पर आपका यह बड़ा अक्षर हो गया और यहाँ पर आपका स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर में आपको छोटके से लेकर चलना ABCDEFGHIJKLMNOP और ये आपका आता है QRSTUVWXY और ये आपका आता है जेड। ये आपका टोटल स्मॉल लेटर हुआ, ये आपका कैपिटल लेटर हुआ और ये आपका स्मॉल लेटर हुआ। आपको ये दोनों में लेकर चलना है, जल्दी से आप फटफट आप लोग नोट करिए। चलिए यार देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा नेक्स्ट जो हम लोग को आता है, बहुत सारे जो लेटर होते हैं वे लेटर मिला के एक वर्ड बनता है, बहुत सारा लेटर एक एक बुंद से तलाब बढ़ता है जी। जैसे बताइएगा, जैसे मानकर चलो कोई लेटर लिख दिए जी, ठीक है, उसके बाद एक और लेटर लिखे ओ, उसके बाद एक और लेटर लिखे हम ए, और एक और लेटर मिलकर बन गया कुछ जब तक,
8 है ना। तो ये जो अगर आप एक साथ है, अगर आप कई लेटर बनाते हैं तो इसका आप एक इसका अर्थ निकलता है, और जब ये अर्थ निकलता है इसी को हम लोग कहते हैं वर्ड। वर्ड के मतलब होता है क्या चीज़, शब्द। आखिर ये शब्द है क्या, जैसे बताओ जी हो या टी, गोट मतलब बकरी होता है, आखिर ये वर्ड हुआ कि नहीं हुआ। कई सारे आपको लेटर मिलाकर अगर उसका अर्थ निकल जाता है तो भी आपका वर्ड कहलाता है, शब्द कहलाता है। इसलिए बोला जाता है कि बहुत सारे जो लेटर होते हैं वो लेटर मिलाकर एक कॉम्बिनेशन बनाता है और उसके बाद ये बनता है आपका शब्द। आखिर ये लेटर है क्या, है ना, सॉरी वर्ड है क्या, वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, वर्ड आखिर है क्या। वर्ड को हम लोग हिंदी में शब्द कहते हैं, वर्ड को हिंदी में हम लोग शब्द कहते हैं। वर्ड है क्या बोलेंगे, ए मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स आर कोल्ड वर्ड। ए मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स आर कोल्ड वर्ड, यानी कि ये वर्ड है क्या, है ना। तो बोलेंगे कि वर्णों के सार्थक संयोजन को, कॉम्बिनेशन के मतलब होता है संयोजन, बोल सकते हैं कि वर्णों के सार्थक संयोजन को, वर्णों के सार्थक संयोजन को वर्ड कहते हैं, यानी कि शब्द कहते हैं। हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बताइएगा इसमें जो वर्ड होते हैं, एक मीनिंगफुल वर्ड होते हैं, मीनिंगफुल यानी कि वर्ड जो दो प्रकार के होते हैं ना, एक होता है मीनिंगफुल वर्ड होता है, जिसका अर्थ निकलता है वह मीनिंगफुल वर्ड कहलाता है, और जिसका अर्थ नहीं निकलता है उसको मीनिंगलेस वर्ड बोला जाता है, है ना, उसको मीनिंगलेस वर्ड कहा जाता है। आखिर मीनिंगफुल वर्ड क्या, मीनिंगलेस वर्ड क्या है, जैसे बताइएगा PEN, पेन मतलब क्या चीज हुआ, कलम, PEN पेन मतलब कलम। लेकिन अगर इसी पेन को अगर हम XZXY ऐसे कर दें तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, और कोई अर्थ नहीं निकलेगा तो वह मीनिंगलेस वर्ड कहलाता है, और जिसका अर्थ निकल जाता है वे आपका मीनिंगफुल वर्ड कहलाता है। जैसे मान के चलिए आपका हम दे दिए, है ना, अगला हम आपको दे रहे हैं ROS, रोज मतलब होता है गुलाब, इसका तो अर्थ निकल लिया कि रोज मतलब गुलाब होता है, लेकिन क्या इसी को अगर हम, है ना, इसी को अगर हम ये लिख दें XZZZZX ऐसे लिख दें तो क्या इसका कोई अर्थ निकलता है, नहीं निकलता है। तो इसको हम लोग कौन वर्ड कहते हैं, मीनिंग लेस वर्ड बोलते हैं। इसके बाद फिर हम आगे को देखते हैं, अगला आपका आता है बुक, बुक मतलब होता है क्या चीज़, किताब। तो ये जो किताब होता है तो किताब का अर्थ निकलता है, तो जिसका अर्थ निकलता है वह मीनिंगफुल वर्ड कहलाता है, और जिसका अर्थ नहीं निकलता है उसका मीनिंगलेस वर्ड बोला। क्या XYZX लिख दे, क्या इसका अर्थ निकलता है, नहीं निकलता है। आप लोग को पिछला बार जो वीडियो दिए थे उस वीडियो के माध्यम से आप लोग को समझाए थे, लेकिन अगर आप घर पर है तो कैसे जाने कि आप लोग उसको नोट किए। तो आप लोग को क्या करना है, अगर इस वीडियो देखते हैं तो इस वीडियो देखने के बाद आप उसका जो आप रिटर्न करते हैं, जो उसको लिखते हैं, आप उसे जो लिखने के बाद उसको आप भेजना है आपको ग्रुप में। अगर ग्रुप में अगर भेजते हैं तो हम आने के बैठ के पढ़ रहे हैं, नहीं तो आप नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। और आप बैठते हैं तो उसको लिखने, और लिखने के साथ साथ उसको आपको भेजना है, उस ग्रुप में भेजना है। आप जिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में आपको मैसेज करना है कि सर हमने पढ़ लिया, हमने सर वीडियो देखा है, है ना। और उस वीडियो के माध्यम से अगर आप वीडियो देखते हैं तो उसको लाइक जरूर करें, अगर आपको अच्छा लगता है, है ना, तो आप अपने एक दोस्त को जो होते हैं उनका शेयर करें। और उसके साथ साथ अगर आपका कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या होता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय मॉन्टेसरी परिवार।